रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मुकाबले जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और यह मुकाम इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच जो अभी 3 T20 मैचों की सीरीज हो रही है, उस सीरीज के पहले मुकाबले जो इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, वो पहला मुकाबला है इंडिया के टीम ने 6 विकेट से जीता, और वह मुकाबला जीत दर्ज करने के साथ रोहित शर्मा ने अपनी 100वीं जीत T20 में पूरी की। और उस मुकाबले में रोहित शर्मा 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे। जब वह आउट हुए थे तो टीम का खाता भी नहीं खुला था, और पहले ओवर में रन आउट के चलते वह आउट हो गए थे। वह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, वह 0 के स्कोर पर आउट हो। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में जो पहला मुकाबला खेला गया था, और वह रोहित शर्मा के लिए T20 इंटरनेशनल में 149वां मुकाबला था, वही रोहित शर्मा ने अब तक 149 T20 मुकाबले खेले हैं। जो 149 T20 मुकाबले खेले हैं उसमें रोहित शर्मा 100वीं मुकाबले में जीत दर्ज की, यानी रोहित शर्मा 149 T20 मुकाबले खेले हैं और 149 T20 मुकाबले में 100 मुकाबले में उन्हें जीत मिली है और 46 मुकाबले में हार मिली है, बल्कि 3 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और रोहित शर्मा ने पुरुष T20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक 149 मैच खेले हैं, जिनमें 3,853 रन बनाए हैं और उनका एवरेज 21.1 का रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 139.1 का रहा है। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो पुरुष T20 इंटरनेशनल में 4 शतक लगा चुके हैं, और पुरुष T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा ने 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया था, और 100 मैचों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक आते हैं। शोएब मलिक ने 2006 में अपना डेब्यू किया था, यानी रोहित शर्मा से पहले वह डेब्यू कर चुके थे। T20 अंतरराष्ट्रीय में 86 मुकाबले में उन्हें जीत मिली है, जो दूसरे पायदान पर है। रोहित शर्मा ने अब तक 149 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्हें 100 मुकाबले में जीत मिली है और 46 मुकाबले में हार मिली है। रोहित शर्मा को 40 मुकाबले में बतौर कप्तान के रूप में उन्हें जीत मिली है, और सबसे अधिक T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जीतने वाले खिलाड़ी में रोहित शर्मा पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक आते हैं, उन्होंने 86 मुकाबले में जीत मिली है। तीसरे नंबर पर भारतीय स्टार खिलाड़ी विराट कोहली है, जिन्हें 73 मुकाबले में जीत मिली है, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज, जिन्हें 70 मुकाबले में जीत मिली है, और 5वें नंबर पर अफगानिस्तान के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद नबी, जिन्हें 70 मुकाबले में जीत मिली है। और तीनों फॉर्मेट यानी T20, ODI और टेस्ट इंटरनेशनल में 100 मुकाबले में जीत मिलने वाले खिलाड़ी, जिनमें सबसे पहले स्थान पर वीवी रिचर्डसन आते हैं, जो वनडे में उनके नाम 100 जीत है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिंकी पोंटिंग आते हैं, उन्हें टेस्ट में 100 मुकाबले में जीत उनके रिकॉर्ड नाम है। और तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आते हैं, जिन्हें T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 मुकाबले में जीत मिली है। अगर T20 में ऑल ओवर जीत की बात करें, जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेट इंटरनेशनल की बात आते हैं, तो उस स्थान में रोहित शर्मा 4थे स्थान पर है। इनमें टॉप 3 महिला खिलाड़ी है, यानी रोहित शर्मा 4थे पायदान पर है ऑल ओवर T20 अंतरराष्ट्रीय में, और रोहित शर्मा से पहले 3 महिला खिलाड़ी है, जिनमें पहले स्थान पर इंग्लैंड के महिला खिलाड़ी जेनी टायर जाते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल T20 मुकाबले में 111 मुकाबले में जीत मिली है। वही दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के महिला खिलाड़ी एलिसा हिली आती है, जिन्हें 100 मुकाबले में जीत मिली है। वही तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की ही महिला खिलाड़ी एलिसा परी आती है, जिन्हें 100 मुकाबले में जीत मिली है। वही 4थे स्थान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम आता है, जिन्हें 100 मुकाबले में जीत मिली है। लेकिन इन टॉप 4 में ऐसे 2 खिलाड़ी है जो अभी खेल रहे हैं, एलिसा परी और रोहित शर्मा। अभी रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, अभी 2 T20 मैच इस सीरीज की बाकी है जो इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच हो रहा है, उसका अभी बाकी है। अभी रोहित शर्मा का करियर अभी 2 या 3 साल और बाकी है, वो अभी खेलेंगे। वही T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे सीनियर कप्तान रोहित शर्मा है। अभी इतने उम्र तक अभी तक कोई भारत या किसी देश के लिए T20 में कप्तान नहीं रहे, जो रोहित शर्मा यह रिकॉर्ड भी पूरा कर चुके हैं। वही इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया था, उसमें इंडिया की टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। वही टॉस इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और आमंत्रण में उतरी अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 20 ओवरों में मात्र 158 रन बनाए और इंडिया की टीम को 159 रनों का लक्ष्य दिया। और इंडिया की टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि रोहित शर्मा 0 के स्कोर पर रन आउट के रूप में गिर गए। उसके बाद पारी को सुमन गिल और
तिलक वर्मा ने संभाला और वो भी जल्दी ही आउट हो गए। लेकिन बाद भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे की तूफानी पारी आई, जिन्होंने नाबाद 7 रनों की पारी खेलकर उस मुकाबले में जिताया। और इस सीरीज का पहला मुकाबला इंडिया की टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त।